Hello friends, today we will discuss about the chemical kinetics. Chemical kinetics जो है आपका ग्रीक वर्ड kinesis से लिया गया है, which means move. Chemical kinetics एक chemistry की काफी important branch है, जिसमें हम chemical reactions के rates, rate law expression, and their mechanism का हम discussion करते हैं. Physical chemistry में हम लोग के तीन important चीज होती है, तो thermodynamics, दूसरा आपका chemical equilibrium, तीसरी आपकी केमिकल काइनेटिक्स. ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में यदि आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम कहते हैं, तो इससे पता चलता है कि कोई रिएक्शन पॉसिबल फीजिबल है या नहीं. यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होती है. और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू से पता चल जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, हाउ मच एक्सटेंट इट विल गो. इफ इट इज 100 तो यानी काफी अच्छी होगी. इफ इट इज के 10^-2 तो ये काफी कम प्रोडक्ट्स का कन्वर्ट होगी. केमिकल काइनेटिक्स से हमारे को उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता चलता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का पता चलता है. और कोई भी केमिकल रिएक्शन की जब हम मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं तो उस मैकेनिज्म जो है उसके आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन को जरूर सेटिस्फाई करती है. यदि कोई मैकेनिज्म रेट लॉ एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो मैकेनिज्म आपकी ठीक नहीं. तो ये सारी चीजें जो हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, नई केमिकल रिएक्शंस बनाने के काम आती है, केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म बनाने के काम आती है, तो ये सारा डिस्कशन हमारे को केमिकल काइनेटिक्स में करना होगा. तो इस टॉपिक में जो आपका डिस्कशन रहेगा हम लोगों का, नॉर्मली आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे स्टार्ट होता है. रेट ऑफ रिएक्शन के बाद उसमें हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन के फिर इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन बनाते हैं. इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन बनाने के बाद आपकी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर की रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं. उन सबको डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग और हाफ लाइफ पीरियड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है, व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उन सब का डिस्कशन करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे आपकी कोलिजन थ्योरी वगैरह सब जो है उसके पार्ट्स. तो इन सब का जो डिस्कशन है हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में करना. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्टली व्हाई वी रिक्वायर द रेट ऑफ रिएक्शन. देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका इसलिए रिक्वायर होता है कि आप कंपेयर कर सके कोई रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, या कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, या रिएक्टेंट्स कितने बनेंगे, प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, ये सारी चीजें हमें रेट से आगे लगती है. यदि आपको आप भी क्या करते हैं, किस चीज का पहले रेट ही पूछते हैं, मार्केट में जाते हैं कि आलू का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है, उससे आपको आइडिया लग जाता है भाई क्या कितने पैसे और कैसे क्या करना है आपने. तो रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज. तो आपकी जैसे मान लो रिएक्शन है ए से बी, तो ए से बी आपकी एक सिंपलेस्ट रिएक्शन ले ली, तो इसमें आपका ए डिसअपीयर होगा टाइम के साथ साथ, बी अपीयर होगा टाइम के साथ साथ, उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा. यदि आप ए की कंसंट्रेशन का ग्राफ देखें और टाइम देखें वो इस तरीके का आता चलता है, बी की कंसंट्रेशन का और टाइम का ग्राफ देखें तो आपका ठीक है. अब यहां पे मान लो इसके 10 मोल है और इसके टी बराबर 0 पे 0 है. अब इसके 5 मोल रह गए तो इसके 5 मोल बन जाएंगे, मान लो एट टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड. तो यहां पर जो चीजें हैं मतलब सिंपल से डाटा बहुत आसान है. अब ये भी हो सकता है कि ये 2 हो, 3 भी हो, कुछ और भी हो,
तो आपको कुछ मतलब पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप जो डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन में आप मोलैरिटी ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, या आपका यहां पर इसकी जगह प्रेशर भी लिया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी लिए जा सकते हैं, या वॉल्यूम लिया जा सकता है। तो ये मतलब चेंज ये वाला जो फैक्टर है ये 99% कंसंट्रेशन ही होगा, लेकिन कुछ फैक्टर में प्रेशर या आपके नंबर ऑफ मोल्स या और भी ले सकते हैं, और इनके फिर आपस में इंटर रिलेशन भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये आपकी एग्जामिनर की मर्जी। तो यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है आपका, फिर आगे दो टाइप्स का हो सकता है, इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज। ये आपका बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपकी एवरेज स्पीड होती है। आपका एवरेज, आपका जो है एवरेज स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। किसी भी जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी स्पीड है That is instantaneous speed. Average जो है आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले लेते हैं, तो उसके चेंज को आप आपका जो है हम लोग एवरेज मान लेते हैं। तो ये आपकी एवरेज स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका आर, इसमें हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं डी ए बाई डी टी। और एवरेज को हम कैसे कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू एवरेज रेट को माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। मतलब ये रिएक्शन हमने मानी अभी ए चेंजेस टू बी, ठीक है। और इसके इज इक्वल टू डी बी बाय डी टी कर लेते हैं, इसके इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये जो आपका ए बी है इसको हमें कंबाइन टर्म देते हैं एक्टिव मास, ठीक है। ये जो आपका एक्टिव मास है ये मोलैरिटी भी हो सकता है, आपका प्रेशर में भी चेंज हो सकता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स में हो सकता है, या कंसंट्रेशन में हमें जरूर लगता है तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन के हम उसमें एक्टिविटी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन 99% के इसमें इसका मतलब मोलैरिटी ही होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आपका माइनस डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी, ये आपकी रिएक्शन होती है ए से बी। तो आपका माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू रेट। तो पहला क्वेश्चन ये आया होता है कि इसमें माइनस साइन क्यों है और इसमें प्लस, ठीक है। रिएक्टेंट्स में हम हमेशा माइनस का साइन लेते हैं, रेट में और प्रोडक्ट्स में प्लस। तो उसके लिए मान लो आपका एक टी वन टाइम ये है ग्राफ और ये टी टू टाइम। तो आपकी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ए वन है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ए टू। तो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आर को ले हम इसके रेस्पेक्ट में मान लो ए टू माइनस ए वन बाय डी टी। तो ये जो आपका ए टू माइनस ए वन क्या है, माइनस में। और यदि आप यहां पर ले लें मान लो ये टी वन पर है और ये टी टू, ये आपका डी वन हो जाएगा और ये डी टू हो जाएगा।
ठीक है, तो आपका जो है ये आपका किसमें आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पर ये जो बी टू माइनस बी वन है अपॉन मान लो चलो डी टी स्मॉल टाइम ले लिया हमने ये, तो ये आपका जो है माइनस में आया और ये प्लस में आया, तो माइनस इसका जो रिजल्टेंट माइनस में आएगा तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम यहां पर पहले से ही माइनस लगा, ठीक। तो इसीलिए हम जो है डीए में माइनस लगाते हैं, डीबी में माइनस नहीं लगाते, रिएक्टेंट में माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगाएंगे। इसको हम लोग ये बोल देते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बोल। तो यदि आपका जो है ये दोनों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन वन है तो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन यदि यहां पर मान लो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके अलग तो आपका ऐसा नहीं। तो अब यदि हमने ये रिएक्शन बना दी तो इस केस में आप आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी नहीं, ठीक है। अब आप आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन बी डी बी बाय डी टी। अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई यहां पर हम ए लगाया, यहां पर हमने बी की डिवाइड क्यों कर, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, एडिशन भी कर सकते थे, सबस्ट्रक्शन भी कर सकते थे, हमने ए और बी का डिविजन ही क्यों कर, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप जैसे आपका मान लो ए से बी बन रहा था, ए ए है बी बी, ठीक है। मान लेते हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे एच टू प्लस ओ टू चेंजेस टू एच टू, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब मान लो आपने स्टार्टिंग में इसके इतने मोल्स लिए, दस मोल पी बराबर जीरो पर, इसके कितना मोल मोल्स। अब मान लो टी बराबर 10 सेकंड हमने ले लिया, मान लिया तो इसके जो है आपके 5 मोल रिमेनिंग रह गए, ठीक है, और रिएक्टेड कितने हो गए आपके 5 मोल, इसके आपके कितने रिमेनिंग रह गए रिएक्ट करेंगे और रिमेनिंग कितने रहेंगे, 2 मोल से 1 मोल, 5 मोल से इसके 2.5 रिएक्ट करेंगे और इसके रिमेनिंग कितने रहेंगे 10 माइनस 2.5, ठीक है। तो यहां पर ये आपकी मान लो एक रिएक्टेंट का हो गया ए वन हो जाएगी इसकी कंसेंट्रेशन, ये क्या हो गई आपकी ए टू हो गई, ये आपकी क्या हो गई ये बी मान लिया हमने, तो ये बी वन हो गया और ये बी टू हो गया, तो चेंजिंग कितना हुआ जी, इसके रेस्पेक्ट में निकाले आर इज इक्वल टू और चेंज डी ए बाई डी टी क्या हुआ आपका, यहां पर मान लो इसको आपने ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, टू ए प्लस बी चेंज टू कुछ, ठीक है, ए और बी की हम बात, तो डी ए बाई डी टी कितना है आपका 5 माइनस लगा देते चलो साइन 10 डिवाइड बाय टाइम आपका 10 सेकंड, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बी के केस में डी बी बाई डी टी आपका 7.5 माइनस 10 माइनस, ठीक है। तो अब जो है आपका ये क्या बन जाएगा आपका 5/10, ये क्या बन जाएगा आपका 2.5/10। अब इन दोनों को इक्वल करना है, हमारे क्या करें इसमें हम 2 की डिवाइड कर देते हैं और ये 2 क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसके हमने डिवाइड कर तभी तो इक्वल हुआ। तो हम जो है इसलिए जो आपका इन नंबर्स की जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रेट ऑफ रिएक्शन में इनकी डिवाइड करते हैं।
तो जैसे आपकी एक रिएक्शन बन जाती है, मान लो ए प्लस बी चेंजेस टू सी प्लस डी, इसके ए मोल्स, इसके बी मोल्स, इसके सी मोल्स, इसके डी, तो इनके लिए हम जनरल रेट ऑफ लॉग एक्सप्रेशन बना लेते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी डी सी बाई डी इज इक्वल टू वन अपॉन डी डी सी डी डी बाई ठीक। ये मतलब बिल्कुल कंसेप्ट जो है हमारे को ध्यान रखनी है कि डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है, आपका डी वी बाई डी टी का मतलब क्या है, कब ये रिएक्शन के इक्वल होंगे और कब नहीं होंगे। So we have a question, for the decomposition of phosphorus pentachloride at 200 degrees Celsius, it is observed that its pressure falls from 0.15 atm to 0.10 atm in 25 minutes. Calculate the average rate in atmosphere per minute, mole per liter per second. So आपका जो pressure P1 है वो था आपका 0.153। P2 आपका था 0.10 और टाइम जो आपने लिया था दैट इज 25 मिनट्स ठीक है। ये आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का डीकंपोजिशन, इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन एटीएम पर मिनट की रेशियो में निकालना है और आपका मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर तो आपका जो प्रेशर की टर्म में है रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो आर इज इक्वल टू पॉइंट माइनस का 0.10 माइनस 0.15 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आपका आ जाएगा 0.002 एटीएम। ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसको जब आपको मोल पर लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि भाई PV इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी या इक्वेशन ठीक। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाय वी आर टी, ये क्या हो गया आपकी कंसेंट्रेशन हो गई। तो आपने P अपॉन आर टी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन मान लिया है ठीक, और इसे डेल पी कर दे अपॉन आर टी कर दे। तो आप जो है रेट को निकालने के लिए इस फैक्टर में चेंज करें, तो आपका ये क्या था 0.002 ठीक है, और डिवाइड कर दें इसको किससे, आरटी से, आर कितना 0.0821। टेम्परेचर आपका कितना था क्वेश्चन में, ये था आपका 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 प्लस 273, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5.15 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर ठीक है। इस तरीके से बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको उनको करना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में आपकी द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड है आपको dc by 1 by 2 dt is equals to minus 1 by 3 dd by dt is equals to 1 by 4 da by dt is equals to minus dd by। तो आपके रिएक्शन आपको बतानी है, तो जिनके पास प्लस साइन है वो प्रोडक्ट्स है और जिनके पास आपके माइनस साइन है वो रिएक्टेंट, यानी आपके b और d क्या है आपके रिएक्टेंट। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, b प्लस d चेंजेस टू a प्लस। अब इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो, तो ये जो नंबर्स इनके नीचे आए हुए हैं दीज आर दी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो डी में कितना आ जाएगा 3, बी में कुछ नहीं आएगा आपका, ए में कितना आ जाएगा 4, सी में कितना आ जाएगा 2, तो दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन, ए टू चेंजेस टू बी गैस प्लस हाफ सी गैस, द इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 टू 120 mm
5 minutes. The rate of disappearance of A2 in MN per minute. ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है और आपकी आगे के जो क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट बन रहे हैं उनकी कंसेप्ट्स की बिगनिंग. तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद कीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कुछ 10-5 मिनट का. तो इसमें आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है. A2 का प्रेशर वैसे टाइम के साथ बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? इट विल डेफिनेटली डिक्रीज, बट हियर प्रेशर इज इट मीन्स इट इज द टोटल प्रेशर. इट इज द प्रेशर ऑफ बी एंड सी और ए. तो आपकी जो रिएक्शन है ए टू गैस चेंजेस टू बी गैस प्लस हाफ सी. सो जी बराबर जीरो पर दिस इज आपका कंट्रोल. दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. एट टाइम टी आपका x कैंसिल हो गया, हाफ x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 40 mm जो है दैट इज डिक्रीज. तो वी पुट द वैल्यू एक्स हियर रिमेनिंग ए टू. इस टाइम पे क्या होगा 100 माइनस 40 दैट इज 60. दिस इज ए वन, दिस इज ए टू और डिसअपीयरेंस ऑफ ए टू मींस डी ए टू बाय डी टी दैट वी हैव टू वर्क आउट. दैट इज इक्वल्स टू आपका माइनस 60 माइनस 100 डिवाइड बाय आपका 5, दैट वुड बी गेट कम 8 एमएम पर. सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट.